जो बुकलेट होती थी ना पहले, वो ऐसी होती थी लाइसेंस की। अभी फिलहाल ये बुक की जगह जो है, मेरे ख्याल से वो स्मार्ट कार्ड इशू हो रहे हैं। गाइस आज एक नई बात पता चली है कि निक्कर हाफ स्लीव्स होती है। Guys, what's up? This is Deepak and welcome to my new vlog. Hope you guys are doing absolutely fine. So guys, आज है दिन मंडे का, डेट है 14th of March. जो आपने लास्ट व्लॉग देखा वो था मेरी संडे राइड का, बट आज का व्लॉग होने वाला है कुछ खास। तो सीन कुछ ऐसा है कि मुझे था जरूरी काम डिफेंस कॉलोनी में, मंडे का दिन होता है छुट्टी का, तो मैंने सोचा कि बाइक पे चलते हैं, मोटो व्लॉग करते हैं, आपसे भी मिलेंगे, आपसे भी दो चार बातें हो जाएंगी और मेरी मीटिंग भी अटेंड हो जाएगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के, दिखा देता हूँ भाई, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:17 और जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी मीटिंग के लिए निकल जाऊं, टाइम से आ जाऊं, क्योंकि उसके बाद मुझे यूवी को लेने जाना है स्कूल। सारे काम जरूरी होते ना, छुट्टी का एक दिन होता है तो उस दिन ड्यूटी बन जाती है भाई, जो बच्चे स्कूल गए उनको लेके आने के लिए। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि टाइम से ही काम निपट जाए। तो बाइक मैं निकाल चुका हूँ, हेलमेट मेरा रेडी है, अब आपको सीधा मिलते हैं बाइक पर, चलो। गाइस अभी मैं घर से निकला ही था, भैया मिले। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रदीप है सर। हाँ जी, प्रदीप। प्रदीप जी मिले हमें, ओके सर, धन्यवाद आपका, अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं बच्चों को दिखाऊंगा ये। बिल्कुल सर, ये जरूरी है, गाड़ी चला देना जरूरी। हाँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद। मैं लॉन्ग राइड भी करता हूँ। अच्छा। मैंने अभी तक 11-12 लॉन्ग राइड्स की हैं, हिमाचल की, उत्तराखंड की, राजस्थान की। तो भाई मिले, बड़ा अच्छा लगा भाई से मिलके। ये वाला एक वीडियो के बाद, एक वीडियो भी पेंडिंग है उसके बाद। हाँ लाइव है, कैमरा ऑन है। वो हम कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो आगे देखो भाई साहब, बाइक पे कितना सामान है और बाइक नज़र नहीं आ रही, लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे बोरे खुद चल रहे हैं। आगे भी इतने थैले, बताता हूँ, आगे दो बोरे आगे हैं, तीन, एक दो तीन चार, वो भाई साहब चार बोरे पीछे और एक इतनी बड़ी पेटी। हम कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, असली मेहनत तो यार ये कर रहे हैं। इंडिकेटर देखो कहाँ लगा रखे हैं, बोरों के चक्कर में। क्या करें, कुछ जो जहाँ बच सकता है वहाँ बचाते हैं। और पूरा मेरे ख्याल से एक रिक्शे से ज़्यादा का सामान लोड है उस बाइक पे। पूरे 20 मिनट का जाम बता रहा है गूगल बाबा। अप्रॉक्सीमेटली 9:20 पे निकला था घर से और अभी टाइम हो गया है 9:52 और अभी ITO नहीं पहुँचा हूँ। इतना ट्रैफिक जाम है ना, दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है भाई गॉड। ऊपर से ये बस के इंजन की हीट साथ साथ चल रही है भाई। शुक्र है रब्बा तेरा, खुला रास्ता ते आया, कोई गल नहीं है, तो 5-7 किलोमीटर फालतू हो जाएंगे, 2-4 किलोमीटर फालतू भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन रास्ता खुला मिल जाए, थोड़ा सा इतना मिल जाए कि रास्ता जो जाम ना हो। चलो चल रहे, अब आपको आगे मिलते हैं। गूगल बाबा लगा रखा है, इसी के भरोसे में चले रहे। पुला बनाया था ये सोचकर कि भाई अब जाम लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि आश्रम का ट्रैफिक जो है यहाँ से हम डाइवर्ट कर देंगे, जिसने डिफेंस कॉलोनी या आगे चिराग दिल्ली साइड जाना होगा या आगे एम्स जाना होगा वहाँ के लिए ट्रैफिक जो है डाइवर्ट हो जाएगा, तो आधा ट्रैफिक उधर निकल जाएगा, आधा ट्रैफिक इधर आ जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता था भाई, बारापुला पे भी बुरा हाल हो जाएगा। मैं फिलहाल पहुंच चुका हूं डिफेंस कॉलोनी लाइसेंसिंग यूनिट, यहां देखते हैं क्या सीन बनता है, कोई पेपर एक्स्ट्रा तो नहीं चाहिए। वैसे मैं आपको एक बार दिखा दूं, अभी फ़िलहाल ये बुक की जगह जो है स्मार्ट कार्ड इशू हो रहे हैं, वहां से फ्री होने के बाद मिलेंगे, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। 1 hour later तो गाइस फाइनली काम हो चुका है और स्मार्ट कार्ड एक बनना था, जैसे कि लाइसेंस या RC होती है वैसे ही अब स्मार्ट कार्ड बनता है। पहले पूरी बुकलेट थी आपको दिखाई मैंने, तो अभी यहाँ से फ्री हो चुके हैं, अब घर पहुँच रहे हैं, फिर आपको कार्ड दिखाता हूँ, अब सीधा आपको मिलते हैं बाइक पे। तो अभी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी प्लानिंग है फ्यूचर की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और जिसे कहना चाहता हूँ, जो वीडियो को मेरी फेसबुक पर देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फेसबुक पर बहुत टाइम के बाद वीडियो आती है और चैनल के ऊपर बहुत पहले वीडियो आ जाती है। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे भी आ रही होगी, DC पंजाबी राइटर के नाम से, उसको जरूर फॉलो कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अब यहाँ से निकल रहा हूँ, हम आए थे लाइसेंसिंग अथॉरिटी,
डिफेंस कॉलोनी एंड्रयूज गंज, जहाँ पे सारे लाइसेंस वगैरह, होटल लाइन के लाइसेंस, रिवॉल्वर के लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, एमसीडी का अलग होता है, जो रेस्टोरेंट लाइन है उसके लाइसेंस अलग होते हैं, तो यहाँ बन रहे थे। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, ओम श्री गण गणपति नमः। चलो काम जो हो जाए टाइम से वो सही रहता है। करोल बाग भी जाना है, आप करोल बाग जाएंगे कल, क्योंकि मैंने लेना है ब्लूटूथ। आपने संडे वाली वीडियो देखी होगी मेरी, उसमें मैंने बोला था कि मैं ब्लूटूथ लेना है और मैं आज ही ले लूँगा, बट ले नहीं पाया क्योंकि ऑफिस में ज़रूरी काम पड़ गया था, फ़ोन आ गया था ऑफिस से बहुत ज़रूरी। कल चलेंगे करोल बाग, वहाँ से लेंगे ब्लूटूथ। मुकुल भैया ने भी लेना है, हमने दो लेने हैं, और मुकुल भैया ने कहा था कि उन्होंने कई जगह रेट पता किए हैं, तो जहाँ से सही रेट मिलेगा वहाँ से ले लेंगे। बस यही सीन है आज का, और अभी फ़िलहाल चलते हैं घर की तरफ। और टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं, अब सी पे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना टाइम आने में लग गया। और आगे देख लो ट्रारा ट्रैफिक जाम है भाई, बुरा हाल है। यहाँ तो साला फिर से ट्रैफिक जाम आ गया, लेकिन ये है मोड़ तक। चलो रे देवा, चलो रे, हरी लाइट है हरी। एक तो टेम्परेचर एकदम चेंज हो गया ना भाई, मार्च ख़त्म होने वाला इसलिए गर्मी होगी ये शुरू। वापसी पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वापसी पे अभी 11:20 हो रहे हैं, और 11 बजे ने वहाँ 11:20 हो रहे हैं और लक्ष्मी नगर पहुँचने वाला हूँ। तो अभी हम आए हैं हीरा स्वीट्स पे कॉफ़ी पीने के लिए, इसकी कॉफ़ी बहुत पसंद है यार मेरे। और अभी चलते हैं अंदर, कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं। कॉफ़ी पी ली है और बढ़िया सी एक स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पे, फॉलो ज़रूर कर लेना। अब चलते हैं यहाँ से और बाइक पे मिलते हैं आपको, ठीक है। A few moments later. तो गाइस आज एक नई बात पता चली है कि निक्कर हाफ स्लीव्स होती है। तो मैं घर पहुंच गया था और 12 बजे पहुंच गया था। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 1:44, और मैं आपको बताऊं कि ये है वो कार्ड जिसको मैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से दिखा नहीं सकता आपको पूरा। और ये कार्ड है जो अब जो वेपन होता है उसके लाइसेंस की जगह बन रहा है, स्मार्ट कार्ड कहते हैं इसको। जैसे हमारा DL होता है, RC होती है, ऐसे ही ये कार्ड बन रहा है। तो भाई बन चुका है अभी और मैं घर आ गया था। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं लेके आया हूँ यूवी को स्कूल से, और यूवी नोना बाबू बन के तैयार है और अभी घूमी घूमी करने जा रहा है क्योंकि छुट्टी का दिन है और प्रोग्राम बनाया है। अरे 2 दिन के बाद छुट्टी तो होली की। अच्छा 2 दिन के बाद होली की छुट्टी है, अभी तो थोड़ा शुरू है। तो गाइस इसी के साथ ही करते हैं आप आज के ब्लॉग का एंड। तो गाइस इसी के साथ ही करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। होप करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग जो भी है, जैसा भी बना मोटो ब्लॉग बनाया है, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक, प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी या नीचे भी आ रही होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जाके ज़रूर फॉलो कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हम मिलते हैं आपको किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय बाय। मैं जानता हूँ गाइस आज कुछ खास नहीं था वीडियो में, लाइसेंस चेंज कराना था, बुकलेट से एक स्मार्ट कार्ड बना हुआ था। मेरे पास लास्ट टू लास्ट फ्राइडे फ़ोन आ गया था कि भाई साहब आपका कार्ड रेडी है, आप आके कभी भी ले सकते हैं, तो मैं आज लेके आया हूँ। तो बस यही था भाई, ठीक है। चलो अब मिलते हैं आपको किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, बाय बाय।